उसके बाद पर हम मोश करेंगे एक वन मिनट के लिए। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो गाइस, आज की जो वीडियो बनेगी वो हमारी EM200 के ऊपर बनेगी, ठीक है। इसको हम कैसे ओपन करते हैं, कैलिब्रेशन और सैम्पलिंग करना, मैं आपको अलग से वीडियो बना दूँगा, एक सेपरेट वीडियो बना दूँगा। अभी हम बेसिक चीज़ें जान लेते हैं मशीन के बारे में, ठीक है। ये हमारे पास, ठीक है, EM200 की मशीन है, ठीक है। कितने सारे इसमें हम टेस्ट रन कर सकते हैं, ये आप देख सकते हैं। 30 पोजिशन इसमें रैक बनी हुई है अलग से, 30 सैंपल्स हम एक बारी में इसमें रन कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारे कंट्रोल कैलिब्रेशन के लिए रैक बनी हुई है, I1, I6, I2 है ना, ठीक है। अभी हमने इसमें रीजेंट तो फिल कर दी, ठीक है, रीजेंट मैंने इसमें रख दिए, ठीक है। अभी हम इसको कवर करते हैं, ठीक है। फिर इसको ऑन करने से पहले हमने 2 से 3 चीज़ चेक करनी होती है, मैं दिखा देता हूँ आपको। ये हमारा डिस्टिल वाटर चेक करना होता है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास क्लीनिंग सॉल्यूशन है, ठीक है, जिसमें हम ऑटो वॉश डालते हैं बाद में, तो हमें डिस्टिल वाटर ही फिल करना है, ठीक है। और तो हमारे पास वेस्ट है, बायो हजार्ड वेस्ट का है, ठीक है, और एक हमारे नॉर्मली वेस्ट का है, ठीक है। तो ये जब भर जाते हैं इनको भी हमें खाली करना होता है, ठीक है। अभी हम इसमें फिल करते हैं डिस्टिल वाटर दोनों में, ठीक है। डिस्टिल वाटर के लिए हमने प्लांट लगाया हुआ, ये देखो आप लोग देख सकते हैं, आर ओ लगी हुई है। यहाँ से सीधा ये कंटेनर को फिल करके रखते हैं, ठीक है, स्टोर में रखते हैं और ज़रूरत के हिसाब से हम डालते रहते हैं। नीचे हमने वाटर टैंक अलग से रखवाया हुआ है, ठीक है, यहाँ से फिल्टर होके ऊपर जाता है और यहाँ पे कंटेनर को हम फिल करते हैं। ये नीचे अलग से रखे हुए हैं, देखो मैं दिखा देता हूँ आपको, ये रखे हुए हमने, ठीक है। तो यहाँ पर हम लगा देते हैं, तो भाई फिल कर दिए मैंने, क्लीनिंग सॉल्यूशन और डिस्टिल वाटर दोनों मैंने फिल कर दिए, ठीक है। और ऑटो वॉश हमारे पास 100 ml है, ठीक है, 500 ml हमने इसमें डालना होता है एक बारी में, ठीक है। अभी मैं इसका थोड़ा बेसिक भी बता देता हूँ आपको मशीन के बारे में। तो दोस्तों ये फुल्ली ऑटोमेटेड, ठीक है, काइनेटिक है, ठीक है। अगर मैं प्रोडक्ट के एप्लीकेशन की बात करूँ तो EM200 है ये, ठीक है, EM200 अरबा वाला अपना शीशा वालों की तरफ से। और प्रोडक्ट एप्लीकेशन की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, एंड पॉइंट एंड काइनेटिक है, ठीक है, 2 पॉइंट रिएक्शंस हैं। तो गाइस अब हमने ये वाटर वगैरह सब फिल कर दिया है, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, डिस्टिल वाटर और क्लीन सॉल्यूशन दोनों फिल हैं, बाकी ये अभी कम है तो कोई बात नहीं, बाद में खाली कर सकते हैं इनको। तो अभी हम इसको ऑन करते हैं, सबसे पहले स्विच हमारा लेफ्ट साइड है, ठीक है, आप लोगों को दिखा देता हूँ, मेन सप्लाई 220 वोल्ट, ठीक है। और अभी हम इसको ऑन करते हैं, ठीक है, इसको ऑन करने के बाद फिर हमने ये वाला स्विच ऑन करना है, यहाँ पे लाइट्स आते ही हमने स्विच ऑन कर देना है, पहले भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब हम इसको यहाँ से ऑन कर देते हैं, ठीक है, ये ऑन होती ग्रीन लाइट यहाँ पे ऑन होती है, ठीक है। उसके बाद हमने सिस्टम जो है हमारे पास जो LCD है उसका भी स्विच हमने ऑन करना है यहाँ से, ठीक है। या किसी किसी का बहुत सी जो 200 होती है उनमें अटैच होके आती है, ठीक है, तो ये सेपरेट है, ठीक है, ऐसा भी है सिस्टम। तो ये ऑन होने के बाद मैं आपको बताता हूँ उसकी मेंटेनेंस कैसे करते हैं, ठीक है, मैं आपको बताऊँगा। अभी LCD को अच्छे से ऑन हो जाने दो, सिस्टम हमारा रेडी है। अभी हमने इसमें पासवर्ड डालना है, ठीक है, जो भी सबका अलग अलग पासवर्ड होता है, ठीक है। दोस्तों मेन स्क्रीन पे आ चुकी है हमारी, ठीक है, अभी ये अपना आपको चेक कर लिए, ये देख सकते हैं आप। तो दोस्तों मेंटेनेंस विल टेक अराउंड 8 मिनट्स, ठीक है, 8 मिनट का ये टाइम लेगी मेंटेनेंस, ठीक है। मेंटेनेंस वाज नॉट परफॉर्म व्हाइल स्विचिंग ऑफ द एनालाइजर, एनशोर डोम एंड रीजेंट ट्राई कवर इज क्लोज्ड बिफोर प्रोसेसिंग, ठीक है। ट्रे जो कवर है वो आप देख अच्छे से चेक कर ले हमने सही रखा है कि नहीं रखा है, ठीक है। यहाँ पे खांचा बना हुआ है और इसको यहाँ पे ऐसे सेट करके रखना होता है, ठीक है। तो अभी हम इनसे मेंटेनेंस के लिए ओके करेंगे। मिनट वाला ऑटोमेटिक मेंटेनेंस हो चुका है, तो अभी हमने मेंटेनेंस खुद से भी देना है, ठीक है। सीधा हम कहाँ जाएंगे, मेंटेनेंस F12 में जाएंगे, ठीक है। इसमें सबसे पहले हमने क्या करना है, प्रोब वॉश करना है 7 टाइम्स, उसको स्टार्ट कर देना है, दोबारा से यहाँ पे ओके करेंगे। उसके बाद पर हम वॉश करेंगे 1 मिनट के लिए।
तो गाइस प्राइम वॉश कर लिया, अब लास्ट है हमारा क्यूबिक ट्रेंस, स्टार्ट करते हैं। तो गाइस हमारा सिस्टम पूरी तरह रेडी हो चुका है सैंपल एनालाइज करने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना है, पेशेंट आईडी में हम पेशेंट आईडी डालेंगे, ठीक है। अगर नाम डालना है, ठीक है, नाम का ऑप्शन भी उसमें दिया हुआ है, पेशेंट नेम में हम पेशेंट का नाम डाल सकते हैं, नीचे एज है, एज भी डाल सकते हो, ठीक है। और उसके बाद जो जो भी उसकी इन्वेस्टिगेशन होगी, लाइक LFT KFT या कोई भी बायोकेमिस्ट्री, कोई भी एक पैरामीटर आता है, आप सिंगल पैरामीटर भी सिलेक्ट करके आप नीचे जाके बटन पर सेव कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद सेव करने के बाद आपने स्टेटस मॉनिटर में जाना है, स्टेटस मॉनिटर में जाकर के आपने ओके का जो बटन है वो प्रेस करना है, ठीक है। उसके बाद मशीन जो है रेडी हो जाएगी सैंपल एनालाइज करने के लिए, ठीक है। वेट करना पड़ेगा हमें, तब तक वो सैंपल एनालाइज करेगी, ठीक है। उसके बाद वो रिजल्ट दे देगी, ठीक है। 10 से 15 मिनट तक का टाइम होता है पर पैरामीटर का, ठीक है। रिजल्ट देने के बाद आप वहाँ से नोट कर सकते हैं, होस्ट भी होता है, क्योंकि हमने अभी होस्ट नहीं करा रखा है तो हम डायरेक्ट रजिस्टर से नोट कर लेते हैं। तो बस ये थी थोड़ी बेसिक जानकारी जो मैंने EM200 के बारे में बताई। आप लोग देख सकते हैं मेरे पे EM200 रखी है, और अभी मैं बैठा हूँ सिस्टम की तरफ, ठीक है। बिकॉज अभी एक अर्जेंट सैंपल था वो मैंने रन करा, अभी उसकी रिपोर्ट्स बनेगी, ठीक है। आपको बेसिक जानकारी मैंने दी, ठीक है। आप लोग जितना हो सके मेरे चैनल से जुड़े, मैं आपको ऐसी वीडियोस लेके आता रहूँगा और अच्छी अच्छी नॉलेज आपको मैं देने की कोशिश करूँगा, ठीक है। नई नई मशीन्स के बारे में मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। तो दोस्तों जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर आप नए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। तब तक मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।